आप आ गए ना अभी वही अच्छा लग रहा है अलग है। हाँ भारती बस वही बस 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 भारती यहाँ पे ऊपर आ जाओ हम ऐसे करते हैं आप कर लो नहीं मैं ऊपर आ जाओ नहीं दिख रहे यार। हाँ हो गया भारती जी सामने आपके दोनों क्या बात है सामने अभी यहाँ पे हर फोटो फोटो दोनों लेफ्ट में दोनों ऐसा क्या कर रहा है मोबाइल तो हिला रहा है कैमरा पास सामने राइट साइड यार अरे इसके पास ही दे शादी हो जाए शादी हम तो कर रहे हैं ऐसे घर से मैं कहां है सुनने में आके जाएंगे चलो एड्रेस दे देंगे आप राइट में ये उठोगा लेफ्ट लेफ्ट सामने मैम यहाँ स्ट्रेट डन डन स्टिल्स स्टिल्स चलो यार एक एक बंदा डेटेड सो लेगा कैसी हो स्टिल घर पे जाओ थोड़ा देखो यार चले नीचे जाना है एक मिनट एक चैनल नीचे जाएगा। हाँ एक चैनल शॉर्ट्स ऊपर भी लिए थे उससे पहले काफ़ी कम दिन बचे हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जिस चीज़ के लिए हम मिले हैं पिक तो आपने हमसे शेयर की थी लेकिन ड्रेस कहाँ है ये तो इल्ज़ाम लगा रही है ना हमने आपको जो ड्रेस दिया था वो कहाँ है अरे बाप रे ड्रेस सॉरी क्योंकि मैं थोड़ा सा कम हो गई हूँ मेरी थोड़ी हवा निकल गई है तो ड्रेस मैं चाहती थी कि मैं आपको पहन के दिखाऊं ड्रेस हैंगर पे मत दिखाऊं तो मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा बट ऐसा नहीं है कि हम ड्रेस छुपा रहे हैं या नहीं दिखानी भाई एक एक चीज़ मैं अपनी वेब सीरीज़ बना रही हूँ शादी की लोग होते हैं कि शादी में मीडिया को नहीं आने देते क्या लहंगा पहन रहे हो क्या गाउन पहने दिखाते नहीं लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं प्यार करने वाले हैं तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग शादी में शामिल हो इसीलिए अपनी एक एक चीज़ मैं मीडिया के थ्रू या अपने सोशल मीडिया के थ्रू मैं आप सबको दिखाती रहती हूँ ड्रेस भी बहुत जल्दी दिखाऊँगी वो भी पहन के क्योंकि पहने बिना मज़ा नहीं आएगा। तो आपने कहा कि जैसे आपका वेट कम हो गया है और अब ऑल्टर करवाएं तो अब आप इसके बाद प्रोसेस रोक देंगे डाइट का सो दैट कि वेट मेंटेन रहे और फिर से ऑल्टर ना करें भाई कितना अच्छी बात लगी होता है नहीं प्रोसेस तो चालू रहेगा लेकिन गोवा जाने तक मतलब जिस दिन गोवा जाऊंगी फिर उस दिन से मतलब मैं ऐसा छूटूंगी ना होता ना कि मतलब भागते हैं छोड़ देते हैं वो वाला और फिर खाऊंगी पीऊंगी और हर्ष ने आज तक मुझे कभी नहीं बोला कि थोड़ा कम हो ना यार बाकी लड़कियां देख कभी भी नहीं बोला उसको ऐसी क्यूट लगती वो मेरा पेट खींचता रहता गाल खींचता रहता बाल खींचता मतलब उसको लगता है कि मैं बीवी तो लेके जा रहा हूँ बीन बैग भी लेके जा रहा हूँ इतनी मस्ती करता है वो। आपसे जानना चाहेंगे आपने कुछ शॉपिंग किया शादी के लिए अब तक खाली भारती कर रही है। मैंने सच बताऊँ तो मैंने कुछ नहीं किया शॉपिंग सब भारती की चल रही है क्योंकि मेरी शॉपिंग भी भारती कर रही है बिकॉज मैं वो नहीं कर सकता कि आई थिंक आई शुड वेयर दिस वाइट एंड टाई थोड़ी ऐसी होनी चाहिए ऐसा वैसा हम नहीं कर सकते तो थोड़ा सा मेरे लिए भारती करती है मैं बोलता हूँ मेरे को फोटो दिखा दे जो पहनना मैं पहन लूँगा भाई नखरे नहीं है अभी से इतने ओपिनियन तो भारती जी आपके पसंदीदा और शॉपिंग कर रही है कि अपने पसंद नहीं बहुत अच्छी कर रही है इसमें कुछ लग रहा है थोड़ा उनकी बात सुननी पड़ती है लेकिन फोटो भेज देती हूँ कि इसके अरे जा रहा है तेरे कपड़े के साथ जा रहा है ना हाँ तो ले इसका थोड़ा ये कर दे बस इतना ही ये क्या ले दिया अरे यार वो ऐसे वाला नहीं. कुछ लड़के होते हैं खुद दिन निकालते हैं, पहन पहन के देखते हैं, फोटो खींचते हैं. ये है ही नहीं. मतलब अगर मैं बोलूँ ना कि शादी वाले दिन मैं लहंगा डाल के तैयार हो जाऊँ और मैं इसको बोलूँ ना कि तेरा नहीं ले पाई, तो वो इसी जीन्स जैकेट में आ जाएगा. नाइस नहीं है, बुरी बात है. नहीं बुरी बात नहीं, अच्छी बात है. सो नाइस. अच्छा नीता जी, अगर आपसे पूछते हैं कि कुछ खास रिक्वायरमेंट रही होंगी जब भारती ने आपसे कॉन्टेक्ट किया होगा ड्रेस के लिए, और वेडिंग ड्रेस हर किसी का एक बहुत बड़ा सपना होता है जब भी शादी के बारे में सोचता है, तो उस वेडिंग ड्रेस की उस ड्रीम को किस तरह से आपने उतारा? जो खास रिक्वायरमेंट थी ये थी कि वेडिंग बाहर है, गोवा में है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भारती को जब दुल्हन बन के उतरना है तो शी हैज़ टू बी कंफर्टेबल और बहुत सुंदर लगना है. कलर निखर के आने चाहिए एज़ पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द फंक्शन. तो बस इतनी ही सिर्फ भारती की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे चूड़ी सेरेमनी में ब्राइट कलर पहननी है. एंड she's been a very obedient bride. जो मैंने कहा कि ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, she quietly listened to it and she said ठीक है. समझते हो कि थोड़ा सा वेट भी खुद अपने हिसाब से she's losing weight and that was not my requirement because I think she's beautiful, she's confident, so she's beautiful and she will exude the glamour. अब ये जो नीता जी ने कहा है कि ये आपकी बात ओबीडियंटली मानते हैं, आप उनकी बात ओबीडियंटली मानते हैं, इसका मतलब है कि जब मम्मी पापा बोलते हैं, एक्सपीरियंस वाले होते हैं तो सुनना पड़ता है. और मैं सोच कर आई थी कि वो मुझे पता है कि मैं उनके पास जा रही हूँ, उन्होंने भी पता है कि मैं आ रही हूँ तो मुझे कैसा देना है. उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहती हैं. मैं क्या, मैं थोड़ा ब्राइट कलर पहनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ब्राइट अच्छे लगते हैं कलर. ओके ठीक है, और क्या पहन. मैं क्या, ऑफ शोल्डर. ओके, और मैंने बोला कि और मैं ये वाला कट नहीं पहनती, मुझे थोड़ा नीचे वाला. ओके, उन्होंने फटाफट ड्रॉ करके बता दिया कि ये, तो मेरे वो मन में था कि यस ये ही. बस. अच्छा, ये तो वेडिंग ड्रेस की बात हो गई. और क्या कलेक्शन में देखने को मिलेगा, मतलब और क्या क्या पहन रही है, कुछ शेयर करना चाहिए? बहुत कुछ पहन रही हूँ मैं. बहुत सारे फंक्शन है, जैसे पूल पार्टी है, मेहंदी है, हल्दी है, तो अलग अलग सब लोग बना रहे हैं. और बहुत एक्साइटेड हूँ हर कपड़े के लिए क्योंकि वो 3 दिन जो मेरी ज़िंदगी के गोल्डन डेज हो गए. क्योंकि यहाँ पे तो लोग बोलते हैं कि अरे ये दिन होंगे, बाद में फिर वो दिन दूसरी बार भी आ जाते हैं लोगों की लाइफ में. तो मैं तो कह रही हूँ कि मेरी लाइफ में कभी वो दिन ना आए, एक ही बार आए बस, हर्ष के साथ. और बहुत सारे कपड़े हैं, लहंगे हैं, गाउन्स हैं, पूल पार्टी के लिए शॉर्ट फ्रॉक्स हैं. तो कूल वाली थोड़ी ऐसी पार्टी है, मतलब ऐसा नहीं कि भी सेट में डाल के जूड़ा करके घूमना हर जगह, ऐसा कुछ नहीं. सबको फ्री छोड़ा भाई, घूमो, खाओ, पियो, 3 दिन का हॉलीडे मनाओ. तो आप दोनों के लिए आज़ादी के कुछ दिन बचे हुए हैं, तो कैसे मना रहे हैं? इनके लिए मैं तो ठीक हूँ. मना रहे हैं बस, हम तो बस काम कर रहे हैं, जल्दी काम ख़त्म करके फिर, बिकॉज हनीमून पे जाना है, तो ताकि 1 महीना हम काम नहीं कर पा रहे, तो मैं पहले ही अपना काम सब खत्म करके जा रहा हूं. उनके लिए एक्साइटेड है. और क्या क्या खरीदना बाकी? अच्छा, मैं कहती हूं और क्या क्या करना. और मोस्टली सब हो गया अभी, बस कपड़े आने हैं हर जगह से, बस सेट बनाने हैं अभी उसके. अच्छा, तो इंडस्ट्री से किस किस को इनवाइट किया है? बहुत सारे लोगों को किया है. कुछ कंफर्म गेस्ट लिस्ट अगर शेयर करें तो? हाँ, वो तो अभी इवेंट वालों को ही पता होगी, लेकिन कॉमेडी के जितने भी हैं वो, जैसे कपिल भाई हो, कृष्णा हो, मनीष पॉल हो, करण वाही, अनिता हसनंदानी, फिर बहुत सारे लोग हैं, मुझे नाम भी नहीं याद, वो भी हैं. बाकी जो मेरे खास फ्रेंड्स हैं जैसे सलमान जी, शाहरुख जी, करण जौहर, परिणीति, नेहा दुबे, इन सबको इन्वाइट करूँगी. लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं खुद इसी लाइन से हूँ कि डेट्स नहीं होती, तो मेरे को कोई ऐसा भी नहीं करे नहीं आएंगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी. लेकिन हो सके हम प्लान कर रहे हैं कि शायद अगर वो लोग ना पहुँच पाए तो हम एक बॉम्बे में भी छोटी सी रिसेप्शन कर लें. वैसे और स्क्रीन पे भारती जी को हमने काफी नटखट, काफी मस्तीखोरी में देखा, तो आप किस तरह उन्हें मैनेज कर पाएंगे शादी के बाद? शादी के बाद नहीं, मैं तो अभी मैनेज कर रहा हूँ भारती को. लेकिन भारती जितनी स्क्रीन पे नटखट दिख रही है आपको, भारती जितनी स्क्रीन पे आपको नटखट दिखती है उससे कई ज़्यादा आम लाइफ में है. तो और हमारा आधा टाइम तो मस्ती में ही चला जाता है. जैसे अभी हम आ रहे थे तो ट्रैफिक था, थोड़ा मस्ती कर दिया, भारती को थोड़ा छेड़ दिया. मैं इसको बहुत मस्ती करता रहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है. ऐसी कोई क्वालिटी आप बताना चाहेंगे भारती जी के बारे में? बहुत सारी है, टाइम मिल जाएगा. बहुत सारी क्वालिटी है, वो तो ख़त्म ही नहीं होगी. बहुत, पूरा दिन हंसाती रहती है, हंसती रहती है, मस्ती करती रहती है. अच्छा बनाती है? अरे खाना क्या बनाती है भारती, बहुत अच्छा बनाती है. बस बोल दिया, बस बोल दिया, ये बहुत लोग आ जाते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अरे था भाई. ये मैं कभी भी नहीं पहन सकती क्योंकि पतली लड़की पर अच्छा वाव अरे खत्म हो गया ना भाई कोई बिगड़ बाबू जी का खत्म हो गया ना ये पता है लगता भी है आपका एलसीडी थोड़ा ज्यादा ही आ गया मेरा भाई कैमरा ले भाई भाई पीछे हो जाइए पीछे पीछे